कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, पर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। भाई बिगेस्ट बिगेस्ट सरप्राइज यार, पुलवामा अटैक पर मूवी बनाई जा रही है, मतलब फुल इमोशनल कनेक्शन। फाइटर का ट्रेलर आ चुका है भाई, जो अभी तक बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यार क्या है कंटेंट, क्या होने वाला है। भाई पुलवामा अटैक पर मूवी बनाई जा रही है, वो पुलवामा अटैक जहां पर हमारे 40 जवानों को आतंकवादियों ने बुरी तरीके से मारा था, बॉम्ब से उड़ाकर चिथड़े भी नसीब नहीं हुए थे, वो दरिंदगी से भरा अटैक किया था जिसपे हमारे जवान मारे गए थे। भाई उस पर मूवी बनाई जा रही है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक देन, अब ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक यानी पुलवामा अटैक पर मूवी। भाई सीधा इमोशनल कनेक्शन है। वो लोग कहेंगे जो टॉप गन मैवरिक का बोल रहे थे कि भाई टॉप गन मैवरिक को ये कॉपी करने वाले हैं या कर रहे हैं, भाई कहाँ गए आप लोग? ये प्योर एंड रियल कॉन्टेंट है जो भाई जिस पे दरिंदगी हुई थी और उसका मुंह तोड़ जवाब हम ऐसे देना चाहते हैं। सिद्धार्थ आनंद, मैं कह रहा हूँ यार सैल्यूट है इस डायरेक्टर को, क्या बना दिया यार इस बंदे ने। मतलब विजुअल्स बहुत धांसू हैं, डायलॉग्स आर टोटली अमेजिंग, जो भी जितना सब कुछ दिखाया जा रहा है सब कुछ 100% खतरनाक होने वाला है। भाई पूरे ट्रेलर को रिव्यू करेंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, मूवी में क्या क्या मिलने वाला है और ट्रेलर कैसा है। भाई फुल गूज़बम्प्स देखे गया है, लेकिन क्या करना है पहले, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू कर रहे हैं भाई साहब, इमोशनल प्लस एक्शन प्लस कास्ट, जो तीन कास्ट पेल के दी गई है, ऋतिक रोशन, अनिल कपूर, दीपिका पादुकोण, ये जो मिक्सर हो रहा है ना, मूवी अभी से प्रॉमिस कर रही है कि भाई आऊंगी और 1000 करोड़ ठोक के जाऊंगा और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर हिट का टैग लेकर जाऊंगी भाई। क्योंकि पुलवामा अटैक ये पूरा कनेक्शन, ये इमोशनल कनेक्शन सीधा हर एक भारतीय इंसान को जोड़ने वाला है, हर एक इंडियन को इजीली जोड़ेगा। क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मूवी हम पहले भी देख कर आ चुके हैं और दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक कौन नहीं देखना चाहेगा, क्योंकि आफ्टर दैट सर्जिकल स्ट्राइक भाई पुलवामा अटैक कितने ज़्यादा चर्चे में था, क्योंकि ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारे इंडिया की तरफ से। और उस पर जब ऐसे मूवी बनाई जाएगी, देन उसके बाद ऐसे कास्टिंग होगी, देन उसके बाद ऐसे विजुअल्स आएंगे, देन उसके बाद ऐसे खड़े डायलॉग, भाई सीधे सीधे डायलॉग बोले जा रहे हैं, लाइक ऋतिक रोशन का वो वाला डायलॉग कि POK इट मीन्स ये कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने ऑक्यूपाई किया है, बाप इंडिया है इसका। तो ये डायलॉग सीधा हिट करती है जनता को और मैं इंडियन, मुझे तो हिट करा है भाई, फुल गूज़बम्प्स देके गया है ट्रेलर और ऐसी चिंगारी, ऐसी आग निकाल के दे रहा है ना अंदर की, भाई मैं कह रहा हूँ कि मैं लड़ने चले जाऊँ। मतलब ये हिसाब का ट्रेलर है, ट्रेलर की लेंथ है 3 मिनट 23 सेकंड, लग रहा था कि भाई लेंथी है, लेकिन बाय गॉड ये ट्रेलर कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, लग रहा था कि ट्रेलर चलते रहे हम देखते रहे, क्योंकि फुल मजा आ रहा था, फुल कनेक्ट हो रहा था, शुरुआत से ही गूज़बम्प्स, वो विजुअल्स इफेक्ट आए जब शुरुआत से ही, भाई ऑसम, बिल्कुल ऑसम। मतलब वो हेलीकॉप्टर के ऊपर से वो राफेल जेट को निकालना, आई थिंक राफेल इस्तेमाल किया था या फिर कुछ और, इतना मुझे डिटेल नहीं मालूम है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना कि पुलवामा अटैक में हमारे कौन से जेट इस्तेमाल करे गए थे उस स्ट्राइक के लिए। और देन वो जब जय हिंद वाला सीन आया ना, देन ऋतिक रोशन, फिर अनिल कपूर, फिर दीपिका पादुकोण और सब मिलकर जब वो जय हिंद बोलते हैं, वहाँ जो गूज़बम्प्स आया है, उसके बाद जो विजुअल इफेक्ट दिया है उन्होंने एरियल शॉट्स का, नंबर वन शॉट है यार, नंबर वन ट्रेलर हम इसे ईजिली बोल सकते हैं। शुरुआत जो 2024 की हो रही है, भाई सिद्धार्थ आनंद ने कसम खा रखी है, शुरुआत करूँगा फाड़ के करूँगा, ट्रेलर सॉलिड है, मूवी भी सॉलिड होगी, क्योंकि ट्रेलर फुल प्रॉमिस कर रहा है कि धमाकेदार मूवी होने वाली है। भाई दीपिका पादुकोण और ऋतिक रोशन का रोमांटिक लव स्टोरी का तड़का भी देखने को मिलेगा, VFX में, मैं कह रहा हूँ विजुअल इफेक्ट्स में, CGI में बिल्कुल भी कमी नहीं है, ट्रेलर में तो बिल्कुल कमी देखने को नहीं मिल रही है और मूवी में भी जहाँ तक है होप है कि ना ही कमी हो। इवन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतनी बड़ी इंडियन मूवी, अमेजिंग वर्क डन बाय सिद्धार्थ आनंद यार, बहुत बड़ी मूवी होने वाली है। ऑल डायलॉग्स आर अमेजिंग एंड गूज़बम्प्स देखे तो जा ही रहे हैं, सीधे खड़े डायलॉग इस्तेमाल करे जा रहे हैं, लाइक प्रधानमंत्री का जिसने भी रोल किया है वो करेक्टर सीधा खड़ा डायलॉग आया है कि दिखाना पड़ेगा कि बाप कौन है। खासकर ऋतिक रोशन का फुल कैरेक्टर में जो घुस के बोल रहा है, अग्रेसिवली थ्रेटनिंग कैरेक्टर, वो दुश्मनों को थ्रेट करने वाला कैरेक्टर, उसके बाद वो डायलॉग्स जो डिलीवरी हो रही है उनकी तरफ से, भाई ऋतिक रोशन फाइन एक्टर चुनने की कोशिश करिए जो बिल्कुल जमरते नजर आ रहे हैं। तो भाई साहब इस मूवी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है, क्योंकि 25 जनवरी को ये मूवी फट जाएगी और बाद बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है, बैकग्राउंड वो मलय हिमालयम, भाई क्या धांसू कनेक्शन, सब कुछ बैठा के बैठे हैं ये लोग और ट्रेलर ऑसम है भाई, मैंने देख लिया, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखो।
और मूवी के लिए अब कितना वेट है, क्योंकि कल से मुझे लग रहा है कि या फिर 2-3 दिन बाद से एडवांस बुकिंग जब मोड़ लेने वाली है, फाड़ के मोड़ लेने वाली है, और इस सर्जिकल स्ट्राइक को देखने के लिए कौन कितना एक्साइटेड है भाई, नीचे कमेंट्स में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए।